बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अभी बाहर का मेन गेट है वहाँ से भी फिलहाल बंद हो चुका है, तो चलिए हम कुछ आगे का नज़ारा दिखाते हैं मेन गेट का। और ये जो मेन दरवाजा, स्थिति इतना गंभीर हो चुका है, इसे बनाने में बहुत पैसे खर्च लेंगे, इसलिए कितना भी जो भी यहाँ पे लीडर लोग हैं वो सब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम दिखाएंगे कि यहाँ गाँव का कैसा माहौल है। आपको पता है कि 25 मई तक लॉकडाउन लग चुका है, तो आप लोग देखिए पहले नज़ारा दिखाते हैं और आपका टूर कराते हैं गाँव का, अपने गाँव का या विलेज का टूर कराते हैं। तो चलिए हम लोग बाइक से अभी चलते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बाइक को दिखाते हैं पहले। सबसे पहले देखिए इसी बाइक से हम लोग जाएंगे और टूर करेंगे। ये मेरा भाई है, बड़े पापा का लड़का, तो साथ में हम लोग जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा, देखिए यहाँ से सिल्हौड़ी मंदिर स्टार्ट होता है। देखिए हम लोग सिल्हौड़ी मंदिर के पास आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा स्लो कीजिएगा दिखाना है। देखिए सिल्हौड़ी मंदिर है यहाँ पे, देखिए यही बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दोनों उपलब्ध है जो कि आपको दिखाते हैं आगे चल के। देखिए जस्ट आने वाला है, देखिए दोस्तों ये हम लोग का मढ़ावरा ब्लॉक है, जो कि यहाँ पे हर काम आसानी से हो जाता है। पहले यहाँ पे जाते ही वास्ते बनता था, लेकिन अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन और भी जो काम है होता है यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जस्ट इसके सामने देखिए यहाँ पे ये पॉलिटेक्निक कमरा यहाँ पे, जो कि इसमें आइए कॉलेज का खेला होता है, जो कि मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ। देखिए दोस्तों हम एक्चुअली हम लोग एटीएम के पास पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे भीड़ अभी लगे हैं, यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगा है एटीएम के पास। अभी भीड़ है तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन का माहौल है, वहाँ पे जाना ठीक नहीं रहेगा, तो हम लोग वेट करते हैं थोड़ा देर और वहाँ से जाके हम लोग पैसा निकालते हैं। तब तक मिलते हैं पैसा निकालने के बाद। दोस्तों धूप भी बहुत तेज़ी से उगा है और यहाँ पर हम लोग लाइन में लग चुके हैं, और कुछ देर में भीड़ कम होगा तो हम लोग पैसा भी निकालेंगे और फिर चलते हैं आगे की तरफ। और आप लोग को जो भी नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे कि आगे साइड में क्या है और मेरे विलेज में और मेरे गांव में क्या है। तो देखिए अभी बहुत सारे भीड़ चल रही है और भी कोई स्थिति ठीक नहीं है इधर का। पुराना स्टेट बैंक के सामने है हम लोग और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ लग चुका है, यहाँ पे बहुत भीड़ देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, बहुत सारा भीड़ हो चुका है। देखिए जस्ट हम लोग मढ़ावरा पुल के पास आए, देखिए कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं मढ़ावरा पुल के पास। और सीधे हम लोग चलेंगे फैक्ट्री के पास, जो कि मढ़ावरा का चीनी मिल है, शुगर मिल। वहाँ पे हम लोग जो बगल का रूट है मढ़ावरा जो पुल है, वहाँ पे एक साइड से रास्ता निकला है, वो इसी रूट से हम लोग जा रहे हैं चीनी मिल के पास। देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चीनी मिल के तरफ, यहाँ पे देखिए स्लो कीजिए, यहाँ पे देखिए जस्ट स्टाफ रूम था, यहाँ पे आपको दिखाते हैं स्टाफ रूम, और यहाँ पे ऑफिस भी था, तो क्योंकि कुछ नज़ारा पे बैक करके कुछ सीन आपको दिखाते हैं कि चीनी मिल का नज़ारा है। और हम लोग इसको भी दिखाने आए थे कि हम लोग के मढ़ावरा क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा साधन है, और ये आज खुला रहता तो किसी को आज बाहर जाना नहीं पड़ता। यहाँ पे छपरा वासियों को बहुत सारे रोजगारी मिलते थे, यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पे काम करने मजदूर आते जो। तो यहाँ पे देखिए चीनी मिल का आज क्या स्थिति हो चुका है,
पर हम सोचे कि इसका भी कुछ दृश्य दिखा दे आप लोगों को। तो चलिए देखिए अभी स्थिति क्या हो चुका है चीनी मिल का, और ये पूरी तरह से खंडर की तरह हो चुका है, ये कुछ खंडर में बदल चुका है, इसका कोई अभी काम मतलब इसका स्थिति। स्थिति इतना गंभीर हो चुका है, इसे बनाने में बहुत पैसे खर्च लेंगे, इसलिए कितना भी जो भी यहाँ पे लीडर लोग हैं वो स्वीकारते हैं कि हाँ इसको बनाया जाएगा, लेकिन इस पर कोई काम किया नहीं जा सकता, इस पर कोई सुनवाई नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे सब खंडर में बदल चुका है, यहाँ पे जो भी चीज़ देखेंगे आपको, देखिए ईंट है पूरा एकदम जहाँ की तरह तहाँ एकदम छिटाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये भी पूरी तरह एकदम खंडर हो चुका है। देखिए यहाँ पे कैसा था, और यहाँ पे हर चीज़ आपको दिखाएंगे और पूरी तरह से, और कुछ और भी चीज़ दिखाना है इसलिए हम उतना नहीं दिखा पाएंगे चीनी मिल का दृश्य। देखिए दोस्तों कुछ नज़ारा आपको दिखाना है चीनी मिल का, देखिए कैसा स्थिति हो चुका है, और यहाँ पे हर चीज़ का स्थिति दयनीय है, बहुत दयनीय है, और इसको बहुत सारा लोग बोलता है, जैसे फेसबुक पेज पे हर चीज़ पे इसको चर्चा में लाया जाता, लेकिन फिर भी इसे मीडिया भी कवर किया है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया जा किया गया है। तो मैं इसको बस दिखाने का कोशिश किया हूँ, प्रयास सबका यही रहता है, मरहौरा जो भी वासी हैं सबका प्रयास यही रहता है कि ये खुल जाए चीनी मिल और जल्द से जल्द चालू किया जाए, लेकिन जो नेता लोगों से कोई सुनवाई नहीं है, कोई बिहार सरकार इस पर जो है कि बिहार सरकार इस पर जोर ही नहीं दे रहा है, नहीं अगर जोर देता इस पर तो इसको चालू किया जा सकता था, और यहाँ पे बहुत इंसान को रोज़गार मिलता। दोस्तों ये देखिए अंदर का चीनी मिल का नज़ारा, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे लगे थे, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे चॉकलेट भी बनता था। देख कैसा कैसा यहाँ पे चीज़ लगा है अभी, जो कि अभी है, और कुछ चीज़ें नहीं है, और बहुत बड़ा है, बहुत अंदर तक है, और इसे हम कवर नहीं कर सकते, इसे कवर करने के लिए इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, और अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये एक सिर्फ ब्लॉगिंग है जो पूरा गांव का हम लोग टूर कर रहे हैं अपने क्षेत्र का, अगर किस चीज़ पर आपको लगता है कि इस पर एक वीडियो स्पेशल बनाना चाहिए तो उस पर हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। देखिए दोस्तों और भी कुछ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जाके, और कैसा स्थिति है इसका, देखिए आप लोगों को पूरा नज़ारा हम दिखाते हैं, टूर कराते हैं। देखिए बहुत खतरनाक जगह है, इसलिए कभी आप लोग आते भी हैं ना तो सावधानी से व्रत के आइएगा, और यहाँ सावधानी से जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसको खंडर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं कितना भारी भारी यहाँ पे सामान है, अभी यहाँ पे करोड़ों का संपत्ति यहाँ पे है। अभी देखिए यहाँ पे कितने भारी भारी मशीनें आपको दिखाई देगी, यहाँ पे देखिए कितने भारी भारी मशीनें अभी हैं, भारी भरकम मशीन है, और ये देखिए कैसा एक नज़ारा है, ऐसा है ना पूरा खंडर हो गया है। आप जो देख रहे हैं ना बहुत दूर तक इसका ज़मीन है, बहुत दूर तक, और ये बहुत दूर में फैला है। अगर इस पर सरकार एक बार ध्यान दे तो इसे बहुत सुधारा जा सकता है, और यहाँ पर बहुत सारे रोज़गारें मिल सकता है। दोस्तों यहाँ से अब निकल के आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जो कि गढ़देवी मैया का है, यहाँ पे जस्ट बगल में ही है। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो उनका भी दर्शन आप लोगों को करवा देते हैं, तो चलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं सीधे, अब हम लोग डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग सीधा गढ़देवी मंदिर के पास चलते हैं, तो जस्ट हम लोग बाइक स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे चलते हैं, और वहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो भी मरहौरा का गढ़देवी मंदिर है वहाँ पे आ चुके हैं, तो चलिए उनका दर्शन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग गढ़देवी मंदिर तो आ चुके हैं, लेकिन उसके लिए सॉरी कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बंद पड़ा है। यहाँ पे आपको नज़दीकी से दिखाते हैं कि यहाँ पे ताला मारा है, जो मेन गेट है यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे इसको लॉक कर दिया गया है, यहाँ पे पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, और यहाँ पे कोई आपको श्रद्धालु जो होते हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों कोशिश करते हैं फिर भी, लॉक तो लगा लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को दर्शन जरूर कराएं,
क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मढ़ावरा के। यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। सॉरी दोस्तों, हम आप लोग को दर्शन नहीं करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से लॉक लग चुका है। यहाँ तक अभी 25 मई तक ये लॉक रहेगा और यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु पूजा करने नहीं आ सकते हैं। जो कि यहाँ पे हम आपको बाहर से कुछ नज़ारा दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे पूरा सुना सुना पड़ा है, जो कि यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करता है हमेशा, डेली यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करता है। देखिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे कुछ पूजा हो रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर से गेट जो भी बाहर का मेन गेट है वहाँ से भी फिलहाल बंद हो चुका है। तो चलिए हम कुछ आगे का नज़ारा दिखाते हैं मेन गेट का। और ये जो मेन दरवाज़ा है जो कि यहाँ पे हर कोई दर्शन करने के लिए आता है, और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। और कितना अच्छा एक वृक्ष है यहाँ पे, देख कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मढ़ावरा का कुछ मार्केटिंग आपको दिखाते हैं। मार्केट लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मॉल भी खुला है। यहाँ पे सुपर मार्केट की तरह लिखा गया है कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ उपलब्ध है मढ़ावरा क्षेत्र में। मढ़ावरा यहाँ पे आप कुछ देख भी सकते हैं। ये हम लोग का मढ़ावरा सदर अस्पताल है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रही है, मढ़ावरा का सदर अस्पताल है। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग मेन मार्केट में हैं और बारिश का मौसम भी किया है। देखिए ये मेन मार्केट है मढ़ावरा का, जो कि अभी जस्ट पुल के सामने हम लोग आएंगे। और यहाँ पे अभी इतना भीड़ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन शादी का तो दिन है, भीड़ होना चाहिए, लेकिन इतना भीड़ नहीं है। फिर भी कुछ जाने यहाँ पे हमेशा लगी रहती है पुल के पास। दोस्तों हम लोग पैसा निकाल रहे हैं तो उसका काम हो गया, लेकिन एक अदर काम भी था जो कि नहीं हो पाया। दुकान है तकरीबन 10 बजे के करीब में सब बंद हो जा रहा है, जो कि जो दवाई वाला दुकान है, दवा खाना वाला, वो सब दुकान अभी चालू है, लेकिन और सब दुकान बंद हो चुका है। जो कि एक हम लोग का काम हुआ और एक हम लोग का काम नहीं हो पाया। तो अभी सीधे घर की तरफ चलते हैं, और ज़्यादा आपको दिखाएंगे तो बहुत लंबा लेंथ बन जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम तुरंत इसको जल्द एंड करेंगे, और आप लोगों की अगर फरमाइश होगी तो मैं एक तरह से जो भी अच्छा चीज़ होगा उसे नोट करके उसका हम वीडियो स्पेशल बना के आप लोग को डालेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। हम लोग घर निकल चुके हैं, सीधे हम लोग घर जाएंगे। बहुत हवा भी चल रहा है, इसलिए आपको नॉइज़ बहुत सारा आ रहा होगा, बैकग्राउंड न्यूज़ बहुत सारा आ रहा होगा। तो इसे हम जल्द एंड करेंगे, कुछ और चीज़ कुछ खा पी ली, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। देखते हैं, अगर खुला होगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग सीधे घर चले जाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और मार्केट सारा बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग मार्केट में कुछ खा भी नहीं पाए। और हम लोग अभी घर पे फिलहाल आ चुके हैं। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।